अभी तो उठाया भी नहीं है मैंने, लेकिन ऊपर तो चीज है ही। और जैसे आपने देखा, ओहो देखो। नमस्ते भैया जी। नमस्ते, क्या नाम है आपका? अशोक प्रजापत। नया आपने चालू करा है, पनीर टिक्का है जिसको अपने कूलर के अंदर चालू कर रहा है। अच्छा, मतलब पनीर टिक्का। और क्या करेंगे उसका? पनीर टिक्का, कूलर पनीर टिक्का बनेगा। कूलर पनीर टिक्का, अच्छा भाई, एक अलग चीज है। हाँ हाँ, पनीर टिक्का तो बहुत बार खाया होगा सबने। पूरा जो रेगुलर पनीर टिक्का बनता है वैसे ही बनेगा, लेकिन ये कुल्लड़ वाला है तो उसमें और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, तो वीडियो को अंत तक देखें। और ये बड़े बड़े पीस पनीर के जा रहे हैं भाई। अगर आप ऑनियन वगैरह खाते हैं तो ऑनियन के साथ भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। कितना पीस आता है पनीर का? चार पीस। अच्छा, सबके चार चार पीस? चार पीस सब। चार पीस पनीर और बाकी छः सात पीस टोमेटो और कैप्सिकम। साइज बहुत बड़ी है वैसे इसकी पनीर। हाँ, साइज तो काफ़ी बड़ी है। क्या प्राइस है इसका? कूलर में ₹200। बाकी सादा वाला है ₹120। ये अपना तैयार हो गया। अब इसके ऊपर इंदौरी ग्रेवी लगाएंगे। इंदौरी ग्रेवी में क्या खास रहता है? सारे इसमें जो भी मसाले डलते हैं इंदौर से मंगवाए हुए हैं। इंदौर के मसाले रहते हैं सब चीजें, इंदौर की यूज करते हैं। अच्छा। कोई सा भी मसाला हुआ, किसी में भी मसाला हुआ, इंदौर का ही आता है। हाँ हाँ, प्रॉपर इंदौर का ही काम करता है। तो तीखा होगा इंदौर की? तो भाई तीखी चीजें बहुत सारी फेमस है। तीखा है, चटपटा है। हाँ, उसे डाल के एकदम बनाते हैं इंदौरी लोग सारे। चटपटा इंदौर में, चटपटा स्पाइसी बहुत ज्यादा चलता है। ये आ गया हेवी और लोटेड पनीर टिक्का। अच्छा, तो इसको आप भट्टी के ऊपर करेंगे? देसी भट्टी के ऊपर सीखेगा भैया। हाँ, एकदम स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा भाई। बटर डाल रहे? बटर के साथ स्मोकी फ्लेवर एकदम आएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं आज हम आपको दिखाने वाले हैं। ये बटर डल रहा है इसके अंदर वापस। कौन सा बटर यूज करते हैं? अमूल का। ये क्रीम थोड़ा सा स्पाइसी। कटिंग वटिंग करके एकदम कर रहे हैं ताकि हर जगह थोड़ा स्वाद परफेक्ट आए। नई चीज जो है वो अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगी। बटर लगेगा इसको पूरा, इसके अंदर भी बटर। मोजरेला चीज, ये आ गई मोजरेला चीज। अब इसके अंदर ये मटेरियल जाएगा। वापस मोजरेला चीज, थोड़ा सा मसाला, उसके ऊपर कौन सा सॉस है? तंदूरी सॉस। उसके ऊपर वापस, क्या बात है भाई। भाई चीज पनीर बटर के लवर हो ना तो ये चीज तो आपको मतलब ट्राई करनी ही बनती है। अहमदाबाद में शायद ऐसी चीज अभी तक हमने कहीं नहीं देखी। लोकेशन और प्राइस डिटेल, सारी डिटेल्स आपको लास्ट तक मिलती जाएगी। वीडियो को अंत तक देखिए, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ ये सिलसिला भाई। उसके ऊपर वापस चीज़।
हल्का सा मसाला। हो गया रेडी, इसको बेक करेंगे वापस ओवन में। अच्छा अभी बेक पे करेंगे वापस अपने देसी ओवन में जाएगा। देसी ओवन में ये आ गया अपना देसी ओवन, इसके ऊपर वापस बेक होगा ताकि वो चीज एकदम पिघल जाएगी ना, मेल्ट हो जाए चीज, पूरा मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका है। ऊपर रख दूं, हाँ ऊपर रख दूं। तो यहाँ पे हमारा मटका पनीर टिक्का अहमदाबाद में पहली बार, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो चीज़ की जो क्वांटिटी है वो आप देख सकते हो, जो देखो भाई। तो अभी तो उठाया भी नहीं है मैंने, लेकिन ऊपर तो चीज़ है ही, और जैसे आपने देखा अंदर भी चीज़ है और बीच में कहीं पे पनीर है, उसके बाद चीज़ है, फिर वापस पनीर है, फिर वापस चीज़ है, और आपने देखा ही है। तो ये हमारा पनीर का टुकड़ा आ गया है हाथ में फाइनली, तो ट्राई करते हैं बगैर चीज़ के, ट्राई करते हैं थोड़ा पहले, ताकि एक्चुअल में जो टेस्ट है वो आ पाए। चीज़ तो साथ में आ ही जाएगा कैसे भी करके, ये देखो। और ऐसा वाला पनीर टिक्का तो आपको रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेगा, तो चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं, फिर ही आपको बताते हैं कि भाई रिकमेंडेड है या नहीं। देखो कैसे खाऊँ मेरे को पता नहीं चल रहा है थोड़ा, लेकिन खा के रहेंगे आज। भाई साहब ये खाओगे ना उसके बाद नॉर्मल पनीर टिक्का खाना भूल जाओगे आप। रेस्टोरेंट में जाकर नॉर्मल पनीर टिक्का जो 200-250 देते हो जिसमें चीज़ भी नहीं डाला होता है, बेटर है। यहाँ पे आप 200 रुपये में, और इसकी जो क्वांटिटी है ना वो भी काफ़ी सही है। आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, साथ में हमें ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देख कहाँ से रहे, ताकि हम आपको थैंक यू बोल सकें। ऐसे ही कोई सजेशन हो आपके पास तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो लोकेशन मैं आपको बता दूँ, लोकेशन भैया ही बताएंगे, भैया लोकेशन बता दीजिए थोड़ा। डीमार्ट के जस्ट सामने चौपाटी में, डीमार्ट के सामने, सामने वाली निकोल चौपाटी में ही है। निकोल एरिया में अगर आप डीमार्ट के सामने आते हो तो आपको बहुत सारे स्ट्रीट फूड में लाइन मिलेगी, जहाँ पे बहुत सारे स्टॉल आप देख सकते हो लाइन में, तो बस उसी में आगे आपको मिलेगा इंदौरी आईसी स्पाइसी, जहाँ पे सिर्फ ये नहीं आपको मटका मोमोज भी भैया स्टार्ट करने वाले हैं। कब करने वाले वो नहीं पता है, लेकिन वो करेंगे ज़रूर, क्योंकि हमने उनको रिकमेंड किया है ये चीज़, तो हमारा नाम दे देना उसमें। तो बस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। और भैया टाइमिंग क्या रहेगा? शाम को 5 बजे से रात को 12 बजे तक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे भैया। बस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए फटाफट, और मैं यहाँ पे ये खत्म कर लेता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।